डीजीपी सुधीर सक्सेना की फटकार के बाद पुलिस के आला अधिकारी सहित पुलिस के जवान शहर की सड़क पर दिखाई दिए। शराब दुकानों के बाहर खड़ा होकर नशा करने वाले व नशे में धुत कार चालकों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। इंदौर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर आवारागर्दी करने वालों की धरपकड़ शुरू की। पुलिस ने जहां नाइट कल्चर की आड़ में आवारागर्दी करने वालों को पकड़ा, वहीं वाहन में शराब पीने वाले, हथियार लेकर घूमने वालों को भी गिरफ्तार किया। शहर की सड़कों पर पुलिस की कार्यवाही के साथ गली मोहल्लों में भी पुलिस की टीम आदतन अपराधियों सहित वारंटियों की सर्चिंग कर पूरी रात उनकी धरपकड़ करती रही। गौरतलब है कि शहर में 8 माह में 36 हत्याएं और लगातार बढ़ रहे अपराधों के बाद डीजीपी सुधीर सक्सेना द्वारा इंदौर पुलिस को फटकार लगाई गई थी, जिसके बाद पुलिस अपराधियों पर कार्यवाही करती नजर आई। आज जो है नशे में गाड़ी चलाने वाले और नशे की हालत में धुत घूमने वाले व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, इसलिए आज यहाँ फोर्स फॉलोइंग हुआ है और आज ये रात भर यही कार्रवाई करेगा। लगभग 500 व्यक्तियों का फोर्स है। सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव पर कार्रवाई होगी या ड्रिंक एंड ड्राइव, हथियार लेकर के चलने वाले और नशे की हालत में धुत बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई। थैंक यू।